मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पीएसी मुख्यालय महानगर में 73वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस आयोजन में देश भर के राज्यों की पुलिस टीमें व केंद्रीय सुरक्षा बल भी सहभागिता कर रहे हैं। प्राचीन काल से भारत की परंपरा में खेलकूद गतिविधियों को स्थान दिया गया है। धर्म के जितने माध्यम है वह स्वस्थ शरीर से ही हो सकते हैं। स्वस्थ शरीर ही समर्थ समाज, सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। भारतीय ऋषि इस बात का उद्घोष करता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव है, और स्वस्थ शरीर के लिए खेलकूद की गतिविधियां, योगासन, प्राणायाम, ये सभी क्रियाएं एक स्वस्थ शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और स्वस्थ शरीर ही एक समर्थ समाज का और एक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार भी कर सकता है। और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो अपने अनेक कार्यक्रम देश के विकसित भारत की संकल्पना के लिए प्रस्तुत किए थे, उनमें महत्वपूर्ण खेल और खेलकूद की गतिविधियों को लेकर के भी है। आपने इस बात को देखा होगा, खेलो इंडिया खेलों की प्रतियोगिताएं रही हो या फिट इंडिया मूवमेंट अथवा सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, गांव से लेकर के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं बखूबी इस आयोजन के माध्यम से आज आयोजित हो रही है। खेलो इंडिया खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट या सांसद खेल प्रतियोगिता आज प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना से चल रही है। इसी समय चल रही पैरालंपिक में भी भारत ने प्रतिभा का लोहा मनवाया है। खेल हमको जीवन के उतार चढ़ाव हर मोड़ पर जीने का सामर्थ्य देता है। उत्तर प्रदेश खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए 57,000 ग्राम पंचायतों में खेल का मैदान, 825 विकास खंडों में मिनी स्टेडियम और 75 जनपदों में स्टेडियम निर्माण के कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने वाला राज्य है। और आज जब यह खेलकूद के कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ हो रहे हैं, स्वाभाविक रूप से रेसलिंग के क्षेत्र में अनेक देश भर से आए हुए आप सभी पुलिसजनों के द्वारा अपने अपने प्रदर्शन को यहां पे देश भर के आए हुए जवानों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि पूरा देश आज यहां पर आकर के ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 में प्रतिभाग करके उत्तर प्रदेश को इस आयोजन के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान किया है। मैं इसके लिए DGSSB और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं, और इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि नाम भले ही अलग अलग हो सकते हो, कार्य हम सबका एक है, मिशन एक है, और वह है कि भारत की सुरक्षा हम सब के लिए सर्वोच्च मायने रखती है।